अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ एवं अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ एवं अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक एवं कर्मचारियों संगठन के संयुक्त तत्वाधान में विधानसभा घेराव किया जा रहा है। प्रदेश भर से ST SC समाज के लोग लाखों की संख्या में पहुंचे हैं और वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ ST SC का जंगी आंदोलन किया जा रहा है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। सर्व आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति 13 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए हमारे साथ आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के जो है सुमन पटेल जी, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, 13 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन करने निकले हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ चेतावनी देना चाहते हैं? देखो, इसमें प्रमुख रूप से है पदोन्नत पे आरक्षण, दूसरा पेशा कानून, तीसरा है आय सीमा जो हम लोगों का 2.5 लाख कर दिए हैं अनुसूचित जाति जनजाति का, उसको समाप्त किया जाए। तीसरा और जो एक और मामला है जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के यहाँ कई लोग नौकरी कर रहे हैं जिनका न्यायालय में स्टे लगाने से लंबित है, जिसको कैबिनेट लगाए उनके ऊपर कार्रवाई करें और तत्काल उनको बर्खास्त करें। ये हमारी सारी मांगे हैं और ऐसे अन्य 13 सूत्री मांग है जिस मांग को लेकर के ये अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ और ये दोनों संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति जनजाति दोनों मिलकर के ये आंदोलन कर रहे हैं, उसको समाज के लोग, दोनों समाज के लोग भी इसको जो है समर्थन दे रहे हैं कि इनकी मांग पूरी की जाए और जब तक पूरी मांग नहीं होती तब तक समाज पूर्ण रूप से डटा रहे। समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबी लड़ाई चल रही है, क्या लगता है सत्ता में बैठे आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री और नेता कहां तक साथ दे रहे समाज का? देखिए, यदि साथ दिए होते तो हम यहां आज बैठे नहीं रहते हैं, हमारे दूरदर्शा नहीं होती। वो लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं और अपने टिकट ना गुमे इसलिए सरकार के खिलाफत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समाज है उनको भी सबक सिखाएगी और सरकार को भी सबक सिखाएगी। सबक सिखाने के लिए क्या कुछ करने वाले आगे आने वाले समय में, क्योंकि चुन कर आते हैं, वादे करते हैं लेकिन वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। नहीं, उसके लिए 2023 देखेंगे, लेकिन अभी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और इस आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए 30 तारीख से हमारा जो है पूरा प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। साफतौर पर कहना था कि लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और जिस तरीके से सरकार बैठे मंत्री के और नेता उनकी बातों को सुने उनको बताने के लिए 30 जुलाई को एक बड़ी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हितेश साहू के साथ अर्जुन शर्मा।